फ्रेंड्स, करवा चौथ की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी करवा चौथ अच्छे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप भी करवा चौथ व्रत रहे होंगे। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत हम क्यों रहते हैं, ये तो सभी को मालूम है कि पति की लंबी उम्र के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा विचार रखने के लिए, अपने पति से के साथ संबंध अच्छे रखने के लिए। साथ ही साथ मैं तो ये कहूँगी कि करवा चौथ का व्रत जो लड़कियां, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि शादी में देखा होगा, शादी से पहले ना लड़कियां बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि मेरी शादी होगी तो मुझे ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये चीज़ें मिलेंगी, ये फैसिलिटी मिलेगी, फिर ये ख्वाहिशें पूरी होंगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि पहले कोशिश ये करें कि आप खुद भी कोशिश करें अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की ख्वाहिशें, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कोई आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। और जब आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरे इंसान से, दूसरे के लड़के से कैसे उम्मीद रख सकते हैं, ये भी चीज़ें हो जाती हैं, बस ज़रूरतें पूरी होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा करवा चौथ का व्रत हम इसलिए रहते हैं कि हमारे पति से संबंध अच्छे हो जाएं, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचें, उनके लिए अच्छा विचारें, हम पूरे तरीके से अपने आप को पति के अनुसार ढालते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि पूरे तरीके से पति के अनुसार नहीं ढालना चाहिए, कुछ चीज़ें अपने आप को आगे बढ़ाने में कुछ एनर्जी एफर्ट लगाना चाहिए। तो बस यही था। और पति से संबंध अच्छे रखने के लिए आप अपना जितनी कोशिश कर सकते हैं, अच्छा 50% यदि आप उनसे संबंध अच्छे रखने के लिए, परिवार से अच्छे रिलेशन रखने के लिए करती हैं, तो 50% अपना एफर्ट यहाँ लगाइए खुद सफल होने के लिए कुछ, ताकि आगे बढ़ सके। क्योंकि यदि आपकी ज़रूरतें आपको पूरी करनी है ना, तो खुद से, अक्सर आपकी शादी से पहले कितने सारे सपने होते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो बस सिर्फ और सिर्फ ये हो जाता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की और भी सारी चीज़ें, घर के काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और खुद को भूलने लगते। तो भले मैं तो ये कहूँगी भले शादी हो जाए लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। अक्सर आपने एक, मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, हालांकि है तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो कर, हमें ये नौकरी करनी, वो करनी। आप खूब इंटेलिजेंट होंगे, एवरेज भी होंगे, लेकिन फिर भी आप तैयारी करते हो, कहीं कुछ करते हो, लेकिन जैसे ही शादी होती तो सारी ऐसा लगने, सारी चीज़ें में पानी फिरते दिखता, कुछ वैसे मेंटली प्रेशर हो जाता है, कुछ और भी जिम्मेदारी की वजह से हो जाता है, और कुछ फिजिकल इशू भी आने लगते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जो भी है, मैं आपसे यही कहूँगी कि खुद बढ़ने के भी प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैं भी सो के जग गई हूँ और मुझे भी अब लगने लगा है मुझे अपना प्रयास फिर से जारी, एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया टीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी। हालांकि अभी तो सिर्फ टीजीटी फोकस है, मेरा जो उद्देश्य था बचपन से कि मैं लेक्चरर बनूं, तो और भी मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए लेकिन एट लास्ट मैं क्लियर नहीं कर पाई अंत में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये रहता था कि मुझे करना है, करना है, करना है, तो ये सारी चीज़ें अब छूट रही थी। तो फिर से मैंने एक उम्मीद अपनी जगा ली है, कोशिश करना स्टार्ट कर दिया है। और आप लोग भी, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए और आपको अपने सपने पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। भले नहीं कर पाए, ये रहता है कि हम शायद नहीं कर पाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, जिम्मेदारी के चलते, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कुछ दिखते हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं। फिर भी यदि आप कोशिश करेंगे ना, तो यदि आप कोशिश करेंगे, या मैं हूँ या आप, तो कहीं तक तो पहुँच ही जाएंगे। यदि नहीं करेंगे तो बिल्कुल से कहीं नहीं पहुँचेंगे, ये भी हो जाता है। चलिए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुना। एक लड़का था, एक लड़का और उसका मोबाइल खो गया था। तो वो मोबाइल ना बगीचे में जाके ढूंढ रहा था, तो बगीचे में ढूंढ रहा तो बहुत सारे लोग आ गए, दिख गए, बोले कि क्या ढूंढ रहे। तो उसने कहा मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। तो बोले अच्छा, तो सब लोग भी ढूंढने लगे कि उसका मोबाइल मिल जाए, और देखने लगे। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखते देखते कहा कि इतना मतलब मोबाइल तो है ही नहीं, मोबाइल मिल ही नहीं रहा, और एकदम फ्लैट जगह है, तो यहाँ यदि मोबाइल गिरता तो पता चल जाता, दिखता। तो वो बोला नहीं, यहाँ नहीं मेरा मोबाइल खोया है, मेरा जो मोबाइल है वह घर में खोया है। और बोली तो घर में ढूंढना चाहिए, वो लोग बोले जो आसपास के लोग थे, तो उन्होंने कहा घर में ढूंढना चाहिए, ये तो पागल है, आप पागल हो गया, घर में ढूंढना चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, वहाँ अंधेरा
उजाला है, इसलिए मैं उजाले में ढूंढ रहा हूँ, यानी कि जहाँ उजाला है वहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो बस यही काम हम लोग करते हैं एक तरह से कहा जाए तो, कि हम लोग ना पहले बचपन में क्या सारी चीज़ें सोचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पढ़ाई लिखाई हमारी पूरी हो जाती है, और फिर जैसे पढ़ाई लिखाई हमारी पूरी हो जाती है फिर हम सोचने लगते हैं कहीं ये करने लगेंगे वो करने लगेंगे। और पहले हम पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ टास्क डिसाइड करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते ना, तो हम अपने लिए एक सरल अपॉर्चुनिटी, एक गलत दिशा चॉइस करने लगते हैं। उस तरह मैंने भी कोशिश की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से अपनी स्टडी में आ जाऊं और अपनी फिर से स्टडी करके देखूं। मुझे नहीं पता कि मैं सफल हो पाऊँगी कि नहीं, और लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर कर लूँ। और शादी से पहले मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं लेक्चरर बनूँ, ये बनूँ वो बनूँ, लेकिन जैसे ही शादी हो गई तो पढ़ाई तो एक साइड से करते हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक साइड उतना एफर्ट नहीं लगा पाते जितना हम लगाना चाहते। और साथ ही साथ कुछ सरकार की कमी है कि ये वैकेंसी भी टाइम से नहीं निकालते, तो बहुत सारे लोग हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं। कोशिश भी करेंगे तो कैसे कोशिश करेंगे, कहाँ तक करेंगे, तो बस ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ये है, चुनाव 2027 में है, तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि फिर से एक बार स्टार्ट कर दूँ TGT की तैयारी, हेल्थ ग्रेड की। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, नहीं पहुँचेंगे तो क्या है, जहाँ हैं वहाँ तक, इससे ज़्यादा तो फिर कुछ कर मिल ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने प्रयास करिए है, आप भी प्रयास करिए कि अपने सपने खुद पूरे करने की कोशिश कर सकें। और चलिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ अपना खुद का अपना जो स्टेटस था, जो आगे बढ़ना चाहते थे, उसको भी कोशिश करनी करने की। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग तो मैं बहुत ही कम बना रही हूँ, लेकिन जितने भी डाल देती हूँ, पोस्ट कर देती हूँ, तो एक अपनी मेमोरीज पर्पज की वजह से। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर। इसी कारण मेरे बस ब्लॉग अच्छा लगता है, तो लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में बताइए कि मैं कंटिन्यू करूं या नहीं ब्लॉग को। तो ये भी आप लोग करेंगे ना बताएंगे, तो मैं कंटिन्यू करूंगी और थोड़ा सा और एफर्ट लगाऊंगी और ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना, तो मुझे मेरा मन डीमोटिवेट हो जाता है, और फिर ये रहता है कि क्या ही पोस्ट करूँ। और एक रहता ना व्यू, सबसे बड़ी बात, यदि हम कोई चीज़